हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे बूझो तो जाने, मतलब पहेलियां। मैं बूझूंगी और आप जानेंगे। हमारी पहली पहेली है, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। पता है इसका आंसर? इसका आंसर है बेटा नारियल। नारियल कैसे? कटोरे के अंदर बेटा कटोरा होता है, इसके बाहर भी गोल होता है, इसके अंदर भी गोल होता है। जो अंदर वाला हिस्सा है वो बाहर वाला हिस्सा तो ब्राउन होता है, अंदर होता है वाइट। तो ये अपने बाप से भी हुआ गोरा, तो इसे तभी कहते हैं कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। अगली पहेली देखें, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बेटा नाखून। आपके 20 नाखून हैं और 20 का हम काट के सिर काट देते हैं ना, इसका कहा बेटा नेल्स काटते हैं ना हम। 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया, इसे मारना या खून करना नहीं कहते, तो इसका आंसर हुआ नाखून। इसके बाद देखिए, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर है पैसा, मतलब एक जानवर जिसकी दुम पर बना है पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाहों के जैसा। कौन सा है वो जानवर बेटा? वो है मोर। देखे वो है मोर, देखे मोर के ऊपर देखो कैसे ताज बना हुआ है बादशाहों के जैसा, और इसकी दुम पे देखो आपको एक आकृति दिखेगी पैसे जैसी। तभी बेटा कहते हैं एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर है पैसा, सिर पर है ताज बादशाह के जैसा। आगे देखिए हमारी चौथी पहेली, हरी थी मन भरी थी, लाल मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बेटा हमारा बुट्टा, जिसे कहते हैं छल्ली। ये हरे रंग की होती है ना और मोतियों से भरी होती है, ये है हमारा आंसर। उसके बाद देखिए अगली पहेली, दिन में हस्ती और अकड़ती, दिन में हस्ती और अकड़ती, रात में रोती और पिघलती। दिन में तो वो हस्ती है और अकड़ के खड़ी रहती है, पर रात में वो रोती और पिघलती रहती है। बोलो बोलो मैं कौन, बताओ वो क्या है? वो है बेटा हमारी मोमबत्ती। दिन में हमारे को मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रात को इसकी जरूरत पड़ती है। दिन में ये अकड़ी रहती है और रात में रोती पिघलती और छोटी हो जाती है, इसका आंसर है मोमबत्ती। आगे देखिए, छोटी ने काजी मियां, इतनी लंबी पूंछ, चलती जाए काजी मियां, घटती जाए पूंछ। तो बेटा इसका आंसर आप बताएं। छोटी सी काजी, छोटी सी वो है लेकिन उसकी लंबी पूंछ होती है, चलती जाती है काजी और घटती जाती है पूंछ। तो इसका आंसर बेटा है सुई धागा। सुई के पीछे जो धागा होता है वो इतना लंबा होता है, लेकिन जब वो सुई चलती जाती है धागा छोटा होता जाता है, तभी तो कहते हैं छोटी सी काजी मियां, इतनी लंबी पूंछ, चलती जाए काजी मियां, घटती जाए पूंछ। तो आज हमने की पहेलियां बूझो तो जाने।